दोस्तों, मैं उसी अभिका, स्वागत है आपका हमारे किचन में। दोस्तों, आज हम हाजिर हो गए एक और नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज्जा। तंदूरी जो चिकन टिक्का बनता था दोस्तों, उसका हम पिज्जा बनाएंगे। तो लेट स्टार्ट, चालू करते दोस्तों पिज्जा बनाना। ये दोस्तों, ये है मेरे पास तंदूरी नान। ये मैंने इसको अच्छी तरह बेल के, हमने थोड़ा मैंने तवे पे सेका इसको। तो लेट स्टार्ट। आप देखें दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे मखनी सॉस, मैं इसमें लगा रहा हूँ मखनी सॉस। हम इन सेल में बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मखनी सॉस हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले चीज, और अब है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे, आप देख देख सकते हैं चिकन टिक्का मैंने कटिंग करके रख दिया है। दोस्तों ये पिज्जा दोस्तों आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब है दोस्तों मेरे पास वेजिटेबल, तंदूरी वेजिटेबल कैप्सिकम है, मैंने इसको कटिंग करके रख दिया है जूलियन में। चीज इसमें जाएगा दोस्तों, ढेर सारा चीज। इसको दोस्तों चीज से बना सकते हैं। जाएगा इसमें ब्लैक ऑलिव, लास्ट में डालेंगे दोस्तों मेरे ख्याल से थोड़ी गेहूँ। ब्लैक पेपर, तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, लास्ट में मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर ग्रीन चिली, डालेंगे हम थोड़ा स्पाइस लेवल करने के लिए। ये मैं अपने देसी स्टाइल में इसको बना रहा हूँ दोस्तों। आज दोस्तों इसको हम बेक करेंगे 350 डिग्री पे 7 मिनट के लिए। मैं इसको ओवन में डालूंगा, उसके बाद हम इसको दिखाएंगे दोस्तों प्लेटिंग करेंगे। बेक, तो मैं इसको अभी डाल रहा हूँ चौकिंग बोर्ड पे। हम दोस्तों इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसकी मैं कटिंग कर लूंगा जी। दोस्तों चार पीस हमने कर दिया है कटिंग, इसको लगाता हूँ प्लेट्स में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्रिस्पी बना है दोस्तों। आप भी बना सकते हैं अपने घर में भी बना सकते हैं दोस्तों, रेस्टोरेंट में भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, चिकन टिक्का पिज्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि हमारी खाने की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपको एक और नई रेसिपी के साथ। नमस्कार, जय गजानन।